हो तेरी महिमा हो तेरी यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 113 वचन संख्या 1 और 2 में वचन ये कहता है, हालेलुया, प्रभु के सेवकों स्तुतिगान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। Yes, Lord. धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है प्रभु का नाम अनंत काल तक धन्य रहे। और प्रभु के सेवकों जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रभु की नाम की स्तुति करो, प्रभु की महिमा करो, प्रभु की जय जयगान करो, क्योंकि प्रभु ने हमें उसी उद्देश्य से बनाया है। अगर हम पवित्र वचन में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन ये कहता है, पौलुस और सीलास जब बंदी गृह में थे, उनके जीवन में कोई भी आज़ादी नहीं थी, वे कंप्लीटली बंधे हुए थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसी समय वे लोग प्रभु के ओर देखें और प्रभु की स्तुति करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। जब वे लोग सच्चे हृदय से पूर्ण मन और आत्मा के साथ संपूर्ण शक्ति के साथ अपने आप को समर्पित किए और प्रभु की स्तुति करने लगे, तभी उसके जीवन के बंधन, उसके बंधे हुए सारे बंधन खुल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज यही मौका है मेरे भाई और बहनों, मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, ये मौका को हम कभी भी नहीं ठुकराएंगे। आइए अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए सच्चे हृदय और मन और तन से उस महिमामय ईश्वर को जो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, उस प्रभु को हम स्तुति करेंगे, आदर करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और उसकी जय जयगान करेंगे। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय के गहराइयों से, सब मिलके करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय के गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर महिमा हो तेरी। हालेलुया, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। फिर से महिमा हो तेरी, महिमा हो। दोनों हाथों को अपने सीने में लगाते हुए, आंखें बंद करते हुए, हो तेरी। हाँ प्रभु, मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो, मेरे सारे परिवारों के साथ तेरी महिमा हो प्रभु। मेरे दुख में, मेरे संकट में प्रभु तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी। मेरे हर एक परेशानी में तेरी महिमा हो प्रभु, हो तेरी महिमा हो तेरी। यीशु तू ही एक मुक्तिदाता दाता जो हर परेशानी सारे पर दुख को दूर करने वाला है। प्रभु यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। योहन के सुसमाचार अध्याय 4 में अगर हम प्रभु की वचन को पढ़ेंगे, प्रभु का वचन ये कहता है, ऐसा दिन आ रहा है जो सच्चे आराधक आएंगे, वे लोग सच्चे और आत्मा के साथ उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, वो दिन आ गया है, यही है वो दिन जो सच्चे आराधकों का दिन है। Yes, Lord। आज हम सच्चे मन और सच्चे हृदय से उस सच्चे ईश्वर जो आत्मा से हमारे जीवन में निवास करता है, उस प्रभु की आराधना करें। जब हमारे जीवन की उस परेशानी को समर्पित करते हुए, जब हमारे जीवन के द्वारा सच्चाई के साथ उस महिमामय यीशु के साथ रहते हुए प्रभु परमपिता ईश्वर को हम स्तुति करेंगे, संतों के साथ और दूतों के साथ स्तुति करेंगे, तब हमारे जीवन के सारे समस्याएं दूर हो जाएंगे। अगर हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, दुख है, तकलीफ है, उसको सामना करने की शक्ति हमें मिल जाएगा। हालेलुया। आइए अपने आप को समर्पित करें और हमारे जीवन को समर्पित करते हुए सच्चे और सच्चाई और आत्मा के साथ उस महिमामय ईश्वर की स्तुति करें। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। सब मिलके गाए, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हालेलुया, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। हाँ प्रभु यीशु तू ही हमारे एक प्रभु है, तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। सब मिल के गाएं, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, पूर्ण शक्ति के साथ महिमा, सच्चे आत्मा और सच्चे मन से महिमा हो तेरी। हालेलुया, महिमा हो तेरी। फिर से महिमा हो तेरी प्रभु, महिमा हो तेरी। मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया इसीलिए तेरी महिमा हो प्रभु। मेरे पिता माता भाई बहन दोस्तों के लिए तेरी महिमा हो प्रभु। मेरे हर एक बीमारी को तूने तेरी पवित्र लहू से शुद्ध करके चंगाई दिया, इसीलिए तेरी महिमा हो प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आइए हम सब ऊंची आवाज में उस प्रभु महिमा में ईश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। Praise Jesus, thank you Father Almighty। तूने हर एक समस्या को, हर एक चिंताधारा को, पूरे विचारों को तूने मेरे जीवन से दूर किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं यीशु। मेरे दुख तकलीफ को दूर किया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। Hallelujah, सो तू ही है।